यहाँ से फ्राई होकर निकल रही है और इनको यहाँ पर रैप किया जाएगा और रैप करके फिर 10 से 15 मिनट तक कोयलों में पकाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये ग्रिल हो चुकी है फिश और अब ये खोल के आपको चेक करवाते हैं कि इनका अंदर से लुक कैसा आता है। इनको ओपन किया जा रहा है, ग्रिल को पहले फ्राई हुई है फिर मसाला लगा के इसको ग्रिल करते हैं 10 से 15 मिनट तक। ये इस टाइम ग्रिल हो चुकी है और हम आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। ये देखेंगे, ये चेक करेंगे, ये देखिए माशाल्लाह, ये व्यू चेक करें अंदर से कैसी ग्रिल है। ये देखिए जी, आज मैं बरकत मार्केट में मौजूद हूँ अल खैर खड्डा फिश वालों के पास और यहाँ पर ये फिश तैयार हो रही है। आज मुकम्मल आपको मीटिंग दिखाएंगे इसकी। यहाँ पर जो फिश फ्राई होती है उसके बाद फिर यहाँ पर कोयलों में उसको स्टीम किया जाता है फिश को और फिर उसके बाद ये फिश रेडी हो जाती है। पूरा प्रोसेसिंग हम आपको आज दिखाएंगे स्टूडियो में। ये देखिए फिश तैयार हो रही है, ये बहुत कोयले में रेडी हो गई है, ये कोयले में रेडी हो गई। ये इधर चेक करवाएंगे आवाम को रेडी होकर, ये चेक करवाएंगे। ये देखें जी, ये इस टाइम कोयलों में तैयार हो चुकी है फिश। ये आप चेक करें इसका लुक, पहले फ्राई होती है उसके बाद कोयलों में इसको स्टीम किया जाता है फिश को। ये चेक करें आप, माशाल्लाह जी क्या बात है। और ये कितना किलो दे रहे हैं आप? 1400 रुपये। क्या सर, 1 किलो 215 ग्राम हो रहे। ये देखिए जी, यहाँ पर फ्राई होकर यहाँ से निकलती हैं इधर और फिर इनको स्टीम के लिए कोयलों पर रखा जाता है तकरीबन 15 से 20 मिनट और फिर ये फिश इस टाइम रेडी हो जाती है। ये देखिए जी, इसके ऊपर रैप किया जाता है फिश को और फिर कोयलों पर रख दिया जाता है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। बहुत ही, कितनी देर के लिए कोयलों पर रखते हो? 10 मिनट के लिए कोयलों पर रखा जाता है। यहाँ पर फ्राई होती है फिश, निकलती है फ्राई होकर, ये चेक करें, यहाँ से फ्राई होकर निकल रही है और इनको यहाँ पर रैप किया जाएगा और रैप करके फिर 10 से 15 मिनट तक कोयलों में पकाएंगे। ये चेक करें, इनको रैप किया जा रहा है। ये देखें माशाल्लाह, ये मसाला जहाँ ऐड करके इसको रैप किया जाएगा फिर इनको कोयलों पर 10 से 15 मिनट तक पकाया जाएगा। ये बहुत, कौन सा खास मसाला डालते हैं? ये फिश मसाला हमारे मालिक खुद बनाते हैं, स्पेशल वाला, स्पेशल मसाला जिनका फिश वाला। ये देखें यार, मैंने पता है यार, उन्नी नंबर। ये देखें रैप हो रहा है इस टाइम और आर्डर पे आर्डर लग रहे हैं लोगों के। यहाँ पर देखें जी, जब भी आप यहाँ पर हैं अपनी फिश तुलवाएं यहाँ पर अपनी मर्जी से, 1 किलो 2 किलो, और उसके बाद फिर उनको वहाँ पर फ्राई करवाएं, फ्राई करके रैप होगी, रैप के बाद कोयलों पर 10 से 15 मिनट तक पकाया जाता है। ये सांचे के अंदर डाली जा रही है ग्रिल के लिए। ये देखें माशाल्लाह क्या बात है। ये देखें इनको यहाँ पर ताला लगाया जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पर इनको कोयलों पर तकरीबन बहुत कितनी देर के लिए पकाएंगे? 10-12 मिनट। ये 10 से 12 मिनट यहाँ कोयलों पर पकेगी और उसके बाद फिर ये तैयार हो जाएगी।
और ये टेस्ट करें आप, बरकत मार्केट अल खैर खड्डा पॉइंट, और इनकी चुबुर्जी के पास ही ब्रांच है, तो आप चुबुर्जी वाली ब्रांच पर या बरकत मार्केट वाली ब्रांच पर आएँ और इनका टेस्ट करें, और टेस्ट करके ये कमर्स में लाजमी बताइए। यहाँ पर क्लाइंट आए हैं खाने के लिए, हमें टेस्ट बताएंगे जी। बहुत कितने अर्से से खा रहे हैं आप जी? मुझे कोई 3-1 साल हो गए माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ऑलमोस्ट दूसरे तो ऑडियंस को बताएं इनका टेस्ट कैसा होता है? बहुत अच्छा है माशाल्लाह इनका टेस्ट। इसमें वैरायटी ये होती है, क्वालिटी ये है कि इसको फ्राई बहुत कम किया जाता है, ठीक हो गया, ज़्यादा इसको बारबेक्यू किया जाता है। जब फॉइल में लपेट के इसको बारबेक्यू करते हैं, ठीक है, उस पर तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा। ये देखें जी, पहले मसाला ज़्यादा ऐड किया जाता है, मसाले के साथ फिर इनको ग्रिल करते हैं। ग्रिल हो चुकी है फिश, और अब ये खोल के आपको चेक करवाते हैं कि इनका अंदर से लुक कैसा आता है। इनको ओपन किया जा रहा है, ग्रिल को पहले फ्राई हुई है, फिर मसाला लगा के इसको ग्रिल करते हैं 10 से 15 मिनट तक। ये इस टाइम ग्रिल हो चुकी है, और हम आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। ये देखेंगे, ये चेक करेंगे, ये देखेंगे, माशाल्लाह। ये व्यू चेक करें अंदर से कैसी ग्रिल हुई है फिश, क्या आप और ये भी चेक करें आप, वजन को पता करें क्या नहीं है। हाँ, 1 किलो है ना, एक बड़ा छोटा पीस। अच्छा, ये बहुत कितने कितने किलो की होती हैं फिश? ये तकरीबन 1.25 किलो से 300 ग्राम तक होती है। 1.25 किलो से 300 ग्राम। ठीक है।
ये कुछ से बहुत होने वाला ये सब ये ग्रिल में जा रही है बहन इसको आप ग्रिल कर देंगे भाई ये जी रफ्तार चेक करें ये स्पीड देखेंगे ये सीन तो कभी नहीं देखा होगा और ये सीन कहाँ पर मिलेगा आपको सामने बात है बरकत बार की अल खैर खड्डा फिश पर आपको ये मिलेगा सीन सिर्फ और सिर्फ आ गया।